भूगोल विषय पढ़ाने के अलावा आज से मैं एक नई पहल का शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि साल भर आईएएस 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए साल भर जो भी मुद्दे चर्चा में हैं, विशेष प्रासंगिक रहे हैं और जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सभी मुद्दों का मैं एनालिसिस करूँगा। इसलिए आज से लेकर वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षा तक मैं प्रत्येक दिन एक मुद्दे को उठाऊंगा और उसकी गहन जांच और पड़ताल करने का प्रयास करूंगा। किसी एक मुद्दे पर सिर्फ एक ही वीडियो होगा ऐसा नहीं है, मैं उस मुद्दे पर जो भी अपडेट आते रहेंगे वो भी आपको दूंगा, उसके तत्कालिक प्रभाव और दूरकालिक प्रभाव सभी पक्षों पर मैं चर्चा करूंगा। मेरा मकसद होगा कि 5 से लेकर 10 मिनट तक का रोज किसी एक टॉपिक पर जो भी मैं एनालिसिस करूँ उस पर आप एक नोट्स बनाते जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि साल के अंत तक लगभग 500 मुद्दों, एक साल बीतते बीतते में लगभग 500 मुद्दों का एनालिसिस करूंगा। अगर आप मेरे साथ इस पर नोट्स बनाते हैं, बार बार उसे रिपीट करते हैं और उसे अपनी प्राथमिकता में रखते हैं तो निश्चित रूप से 2020 की मुख्य परीक्षा में आप बेहतर कर पाएंगे। आज का मुद्दा है जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना और जम्मू कश्मीर राज्य में उसका प्रभाव और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, अखंड है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेषाधिकार मिला हुआ था, उसे विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। अनुच्छेद 370 में ऐसे कई प्रावधान हैं जिसके चलते केंद्र सरकार के हाथ बंधे रहते थे। केंद्र सरकार की पर्याप्त शक्तियां जम्मू कश्मीर में काम नहीं करती थी, यानी भारत के शेष राज्यों से अलग जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार मिले हुए थे। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, अपना अलग झंडा होता था। यहाँ तक कि अगर जम्मू कश्मीर का कोई निवासी भारतीय तिरंगे का अपमान करता था, यहाँ तक कि उसे पैरों के तले भी कुचलता था, तो उसे न तो अपराध माना जाता था और न ही उस पर उसे सजा मिलती थी। इसी के चलते जम्मू कश्मीर में अराजकता फैली हुई थी, न केवल अलगाववादी नेताओं से लेकर पत्थरबाजों तक। साल भर अराजकता की अनेक घटनाएं हमें दिखाई देती थीं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर दिया। केंद्र सरकार ने धारा 370 के सेक्शन ए यानी खंड क या खंड ए को छोड़कर अन्य सभी खंडों को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का फैसला किया। इसके तहत केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को भंग करते हुए उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला लिया है। इनमें से पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जम्मू कश्मीर और दूसरा होगा लद्दाख। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा करने से पहले हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का क्या प्रभाव, जो तत्काल प्रभाव पड़ रहा है वो क्या होगा, आइए हम इसकी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को जो भी विशेषाधिकार मिला हुआ था, भारतीय राज्यों से अलग हटकर जम्मू कश्मीर को जो भी विशेषाधिकार मिले हुए थे राजनीतिक तौर पर, अब वो समाप्त हो गए हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर का नहीं अब अपना अलग संविधान होगा और नहीं अपना झंडा होगा। यहाँ तक कि अगर तिरंगे का आप कोई जम्मू कश्मीर में अपमान करेगा तो उसे सजा माना जाएगा, सॉरी उसे अपराध माना जाएगा और उस व्यक्ति को सजा भी दी जाएगी। दोहरी नागरिकता, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, मतलब दूसरी नागरिकता थी, वहाँ के निवासियों को शेष भारत से अलग नागरिक माना जाता था। अगर आप जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं, शेष भारत के नागरिक हैं, तो आप जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं कहलाते थे, लेकिन अब दोहरी नागरिकता को समाप्त कर दिया गया है। अब शेष भारत का नागरिक भी जम्मू कश्मीर का भी नागरिक है और जम्मू कश्मीर का नागरिक भी अन्य राज्यों का नागरिक माना जाएगा। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य था जहाँ पर दोहरी नागरिकता लागू थी। निवास, कारोबार, अचल संपत्ति, सरकारी नौकरी, अब भारत के किसी भी राज्य का नागरिक, हम और आप, कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का निवासी हो, वो जम्मू कश्मीर में स्थायी रूप से निवास कर सकता है, वहाँ पर कारोबार कर सकता है यानी बिजनेस कर सकता है, अचल संपत्ति खरीद सकता है, होटल रेस्तरां बना सकता है, अपना मकान बना सकता है। जम्मू कश्मीर में जो भी सरकारी नौकरियाँ निकलती हैं उनमें आवेदन कर सकता है और सरकारी नौकरी को हासिल भी कर सकता है। चुनाव और वोट, अभी तक भारत के अन्य किसी राज्य के निवासी जम्मू कश्मीर में न तो चुनाव लड़ सकते थे और न ही
मतदान कर सकते थे। लेकिन अब अन्य राज्यों के निवासी भी अगर जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी हो जाएं तो वे वहां पे चुनाव लड़ सकते हैं और साथ ही मतदान भी कर सकते हैं। न केवल विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, स्थानीय चुनाव लड़ सकते हैं, बल्कि मतदाता के रूप में मतदान भी कर सकते हैं। कश्मीरी महिलाओं के अधिकार, अभी तक ये था कि अगर कश्मीर की कोई महिला अन्य राज्य के किसी व्यक्ति के साथ शादी करती थी, विवाह करती थी, तो उस महिला के जम्मू कश्मीर में न केवल नागरिकता समाप्त हो जाती थी बल्कि अन्य अधिकार भी जो कि जम्मू कश्मीर के अन्य लोगों को मिले हुए थे उस महिला के उस अधिकार समाप्त हो जाते थे। लेकिन अब अगर कश्मीरी महिला अन्य राज्य के नागरिक से या अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो अब कश्मीर में एक नागरिक के तौर पर उसके अधिकार समाप्त नहीं होंगे। संसद में पारित कानून, भारतीय संसद जो भी कानून बनाती थी वे जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर राज्य में केवल तीन विषयों पर भारतीय संसद कानून बना सकती थी, यानी केवल तीन ऐसे विषय थे जिन पर संसद द्वारा बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होते थे। ये कौन से तीन विषय थे जिन पर संसद अगर कानून बनाए तो वे लागू हो सकते थे? ये थे रक्षा, विदेश मामले, रक्षा विदेश मामले और संचार। यदि इन तीन विषयों पर संसद कानून बनाती थी तो वे भारत के शेष राज्यों समेत जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू होते थे। लेकिन इन तीनों विषयों के अलावा यदि भारतीय संसद अन्य किन्हीं विषय पर कानून बनाती थी तो वे कानून जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते थे धारा 370 के कारण। अगर भारतीय संसद ऐसे किसी कानून को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू करना चाहती थी तो उसे जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, यानी भारतीय संसद द्वारा इन तीन विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर बनाया गया कानून अगर जम्मू कश्मीर में लागू करना होता था तो उसे राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी और जम्मू कश्मीर विधानसभा से उस कानून को फिर से पारित कराना होता था, तब जाकर संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो पाता था। लेकिन अब ऐसी कोई भी मजबूरी समाप्त हो गई है क्योंकि धारा 370 के सेक्शन ए को छोड़कर अन्य सभी सेक्शन समाप्त हो गए। अब संसद द्वारा कोई भी कानून जो भी बनाया जाएगा वो जम्मू कश्मीर राज्य में 100% लागू किया जाएगा। आर्टिकल 356-360, पहले हम आर्टिकल 356 क्या है ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रावधान है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 356। यदि किसी राज्य में शासन संवैधानिक उपबंधों के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं है, यानी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव के बाद जो आंकड़े आए उसके अनुसार यदि किसी राज्य में संवैधानिक उपबंधों के अनुसार शासन व्यवस्था चलाना संभव नहीं है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले ले, यानी राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले लेती थी। लेकिन यह प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, यानी अगर जम्मू कश्मीर में संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई है, जम्मू कश्मीर का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाया जाना संभव नहीं था, तब भी राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य का शासन अपने हाथों में नहीं ले पाता था। यानी इससे पहले अनुच्छेद 356 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकेगा। क्लियर। अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है। अब यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी तो ऐसी उद्घोषणा भारत के शेष राज्यों सहित जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू की जाएगी। तीसरा, तिरंगे का अपमान। अब जम्मू कश्मीर में यदि तिरंगे का कोई अपमान करेगा तो इसे अपराध माना जाएगा और उसे सजा भी दी जाएगी। अल्पसंख्यकों को आरक्षण, देश के जो शेष हिस्से में रहने वाले अल्पसंख्यकों को जम्मू कश्मीर में आरक्षण अब तक नहीं मिल पाता था, लेकिन अब देश के अन्य हिस्सों के अल्पसंख्यकों को भी या अन्य वर्गों के अल्पसंख्यकों को भी जम्मू कश्मीर में आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा और सूचना, जम्मू कश्मीर में शिक्षा का अधिकार और साथ ही सूचना का अधिकार भी जम्मू कश्मीर में लागू होगा, जो कि धारा 370 के प्रचलन में रहते हुए ये दोनों अधिकार लागू नहीं हो पाते थे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने
जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का फैसला लिया और इसके तहत केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को दो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त करने का फैसला किया। जम्मू केंद्र सरकार ने या भारतीय संसद ने, हम कह सकते हैं भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर को दो भागों में विभक्त करने के संदर्भ में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 राज्यसभा में 5 अगस्त को पेश किया और यह विधेयक न केवल राज्यसभा में बल्कि अब तक लोकसभा में पारित हो चुका है। इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का फैसला किया गया है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य को भंग किया गया है और उसके स्थान पर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव कहाँ किया गया है? विधेयक में किया गया है। विधेयक के तहत लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करते हुए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग लद्दाख के निवासी एक लंबे अरसे से कर रहे थे, जिसे केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाया। गौरतलब है कि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, ठीक वैसे ही जैसे चंडीगढ़ में नहीं है। आपको ज्ञात हो कि दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा होती है। अब तक दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा होती है, एक है दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी, लेकिन चंडीगढ़ व अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती है। उसी तरह से लद्दाख में भी विधानसभा नहीं होगी, न ही वहां पर विधानसभा चुनाव होंगे, मैं लद्दाख की बात कर रहा हूं, न ही यहां पर विधानसभा होगी, न ही विधानसभा चुनाव होंगे, यानी लद्दाख के स्थानीय निवासी अपना जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में नहीं भेज सकेंगे। सवाल उठता है कि लद्दाख का शासन तब किस प्रकार से चलाया जाएगा। लद्दाख, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते यहाँ का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा और राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, यानी लद्दाख का प्रशासन राज्यपाल द्वारा देखरेख किया जाएगा और राज्यपाल यहाँ के प्रशासनिक कामकाज के विषय में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर डिवीजन एक अलग डिवीजन है। जम्मू कश्मीर डिवीजन को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी, यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा की स्थापना की जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा की स्थापना की गई है। यानी दिल्ली और पुदुचेरी की भांति जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी केंद्र शासित प्रदेश के निवासी भी अपने जनप्रतिनिधि चुनकर उन्हें विधानसभा में भेज सकेंगे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा 5 वर्षीय होगी, 5 वर्षों के लिए गठित की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के गठन के बाद स्थानीय सरकार का भी गठन होगा। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन करेगा, लेकिन यह सरकार अन्य राज्यों की भांति असीमित अधिकार वाली नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली की सरकार को कानून व्यवस्था पर अधिकार नहीं दिया गया है। दिल्ली में विधानसभा है, बहुमत प्राप्त दल दिल्ली में सरकार बनाता है, लेकिन दिल्ली की सरकार बहुत से विषयों पर अधिकार नहीं रखती है। दिल्ली में जिस तरह से कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार का अधिकार है, पुलिस कभी भी आती है मुख्यमंत्री को भी उठा सकती है, जेल में बंद कर सकती है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी राज्य सरकार का कानून व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकार नहीं होगा। जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार के अधीन होंगे, यानी कानून व्यवस्था का संचालन जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन होगी, यानी राष्ट्रपति की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार पर नियंत्रण रखेगा। वहाँ की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रशासनिक कामकाज के विषय में रिपोर्ट करेगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासनिक कामकाज के विषय में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा। कहने का आशय यह है कि चाहे लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था की स्थिति से लेकर अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का पूरा हस्तक्षेप और प्रभाव रहेगा। इस आर्टिकल के बाद अगला आर्टिकल मैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर राज्य
मैं धारा 370 को समाप्त करने के विषय में दूंगा। अगले आर्टिकल में मैं चर्चा करूंगा कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा, जम्मू कश्मीर राज्य के विकास और शेष देश से उसको जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था, एकता और अखंडता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां आतंकवाद की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश राज्य के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यटन विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लंबे समय में भारत के राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी मुद्दों पर मैं अगले आर्टिकल में चर्चा करूंगा। मिलते हैं अगले आर्टिकल में। नमस्कार।